है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो इंसान नहीं कर सकता वो खुदा करता है। आज तेरा खादम पर तेरी जिंदगी पश कलाम को खोले, यीशु मसीह के नाम से बदन टूट जाए। खुदावन तेरे कलाम के खुलने से तेरा आसमान खुल जाए। Hallelujah. 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 आज खुदा ने मेरे हाथ में कुछ भेजा है आप लोग के लिए। आप लोग तैयार है लेने के लिए? अपना हाथ में हिला कर बताएंगे। आँख बंद करिए, सब आंखों को बंद करते हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। ये जो मेरे हाथ में है ये खुदा का रूह है, आप ले ले इसको। और खुदा का रूह आप सबको आज छू ले, यीशु के नाम से छू रहा है। खुदा का रूह आपके छू रहा है। The Lord is touching you now. यकीनन खुदा का रूह आज शाम आपको छू रहा है। Receive. उसके रूह कुदस को कबूल करना शुरू करें। Receive. उसके रूह कुदस से भरना शुरू करें। Receive. उसके रूह कुदस से मनोर होना शुरू हो जाए। In Jesus name. यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। Say hallelujah. आई विल कह के hallelujah. Say thank you Lord. अपने खुदा को अपने साथ लेकर आए जोरदार तालियों में। खामोशी के साथ थोड़ा सा। I have come to tell you this. मैं आज शाम आपको ये बताना चाहता हूँ। For this is the reason God has sent me here. और यही वो वजह है जिसके लिए खुदा ने मुल्क पाकिस्तान में मुझे भेजा। That there is soon. Soon. ये कर बहुत जल्द। He is coming. क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। To take all of us. ये कर हम सबको अपने साथ ले रखकर आसमान पर हाथों को लहराते हुए जोरदार थालियां बजाएंगे। For eternal hope. ताकि वो हमें आसमानी मकानों में रखे। Where there is no more tears. क्योंकि जहाँ पर ना तो आंसू हैं। No more pain. वहाँ पर ना तो दर्द है। No more suffering. ना वहाँ पर तकलीफ और मुसीबत है। This is about to happen. और यकीनन ये जरूर होगा। But before that. लेकिन उससे पहले। He will bring Pakistan. यकीनन वो पाकिस्तान को अपने साथ लेकर जाएगा। He will bring peace. और यकीनन वो इस मुल्क में अपना अमन रखेगा। For too long Pakistan has suffered. क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारी दुश्वारियों का शिकार है, मुसीबतों का। For too long the evil spirits and powers and forces of darkness. ताकि पाकिस्तान के लोगों को तारीकी के कुएं से यीशु मसीह आएगा और आजाद करेगा। But he has come to set us all free. लेकिन वह इसलिए आएगा ताकि हम सब रिहाई पाएं। And he has come to free Pakistan. और यकीनन एक दिन आएगा कि वो बहुत जल्द आएगा और मुल्क पाकिस्तान को हमेशा के लिए आजाद करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदा के नाम को जलाल मिले। First of all, सबसे पहले God, मैं खुदा को उनका शुक्रगुजार हूँ। That he sent me back to Pakistan. कि उसने मुल्क पाकिस्तान में दोबारा मुझे भेजा। And thank also. और इसलिए I want to thank Pastor Shakeel Anjum. और मैं खुदा के खादम पास्टर शकील अंजुम का भी दिल से मशकूर हूँ। And his team, the Children's Chapel Church. और Children's Chapel की तमाम इंतजामिया का भी।
But there's one person I also like to thank. लेकिन एक और शख्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बारे में. You know, behind every successful man, हर एक कामयाब मर्द की कामयाबी के पीछे, there is a woman. उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है. In the case of Pastor Shakeel, there is only one woman. और पास्टर शकील के केस में भी सिर्फ एक ही औरत है और वो खुदा की खादमा, खुदा की खादम की अहलिया. उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. And this woman और खुदा की खादमा has suffered a lot. जिन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया. She has persevered. और उनके उनको उन्होंने बहुत सारी दुश्वारियों में से गुजरे. But she always trust God. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका भरोसा सिर्फ आसमान के खुदा पर. This woman, खुदा की खादमा के बारे में बता रहे हैं पास्टर साहब की अहलिया के बारे में. This woman is a woman who worships in truth and in the spirit. और खुदा की खादमा जो है वो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तुति करती है. She may be suffering. और हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों में भी जिंदगी जी हो. But she is always praying for others. लेकिन वो हमेशा दूसरों के लिए बोझ रख कर दुआ करती है. I'd like everyone today to acknowledge. लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के जदीद जमाना में भी हर एक शख्स जो है वो यकीनन खुदा को जाने और इसी तरह खुदा की. My dearest sister in Christ, Mrs. Esther Shakeel. जिनको मैं आज शाम बुलाना चाहता हूं खुदा की खादमा मिसेस पास्टर शकील अंजुम को जोरदार तालियों में. जोरदार तालियों में. लेकिन ये खुदा की बहुत बड़ी खादमा है. How many of you are expecting to receive a miracle? आप में से कितने हैं जो आज शायद मौजा लेने के लिए आए हैं? How many of you are expecting a healing? आप में से कितने हैं जो शिफा लेने आए हैं? How many of you are expecting receive the word of God? और कितने हैं वो जो खुदा के कलाम को अपने साथ लेने के लिए आए? As the Holy Spirit leads me, जिस तरह खुदावंद का रूह मुझे हदायत बख्शता है, I will call upon people. ये किरण मैं खुदा के लोगों को जब बुलाता हूँ, just one or two, एक और दो को, yes, to prove to you, जो ये किरण इस बात का सबूत होगा, that Jesus Christ is present here tonight. क्योंकि यीशु मसीह आज शाम इस जगह पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी के लिए जोरदार तालियां. And as I acknowledge the presence of my Lord and Savior Jesus Christ, और खुदा का कलाम बयान करता है कि जब खुदा का कलाम और उसका रूह कुदस जिंदगियों में होता है, I'd like to also recognize the presence here of all his servants, all the pastors who serve the Lord Jesus Christ. और यकीनन आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे खादम जो कि खुदावंद की खिदमत करते हैं, यकीनन वो भी खुदा के मस्बा पर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए जमा है. I'd like to ask my co-workers in Christ to stand up. मैं तमाम उन खादमों से दरख्वास्त करूं जो खिदमत में हैं, चालम हो के लिए अपने कदमों पर खड़े हों. You know, आप जानते हैं, I've been a pastor for a long time. मैं बड़े अरसे से खुदावंद की खिदमत करता हूं. But I can tell you. लेकिन मैं आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं. And my brothers in Christ, my sisters in Christ will acknowledge this, that it is not easy to be a pastor. और आज शाम मैं उन लोगों को, उन खुदा के खादमों को जो खुदा की खिदमत करते हैं, बताना चाहता हूं कि खुदा की खिदमत करना कोई आसान बात नहीं है. It is a sacrifice. यकीनन ये एक कुर्बानी का नाम है. And because of that sacrifice, यकीनन इस कुर्बानी के वसीला से, we are blessed. हम यकीनन बरकत पाते हैं. जोरदार तालियां बजाएं. आमीन. सब कुछ
pastors are chosen. ये कि खुदा के खादम जो हैं वो चुने हुए लोग हैं. They're called, they're chosen. ये कि वो बुलाए गए हैं और मसीह की बादशाही के लिए चुने गए लोग. And you are blessed in Pakistan. और ये कि आप पाकिस्तान में बाबरकत होने के लिए मुकरर किए गए हैं. That you have very devoted and committed pastors. ताकि आपके पास बहुत सारे वफादार और खुदा के अच्छे सूरमा हों. Hallelujah. Hallelujah. They are young like you. ये किरण मेरी तरह जवान जोरदार तालियां बजाएं. And they are old like me. और खुदा के खादम की तरह भी बहुत अच्छे सूरमा. But we live to serve. ये किरण हम सब जीते हैं. Hallelujah. खुदा की बादशाह के काम करने को. You know, in the Bible, Bible मुकद्दस में, there's so many names. बहुत सारे नामों का जिक्र खुदा के कलाम में हमें मिलता है. And these names are chosen in heaven. These are the names which will go in the Holy Bible. और बाइबल मुकद्दस प्यार करते हैं जिन नामों का जिक्र खुदा के जिंदगी बख्श कलाम है. ये खुदा के चुने हुए लोगों का जिक्र हमें नजर आता है. Every name has been chosen carefully in heaven to be in the Holy Bible. ये कि हर वो नाम जो बाइबल मुकद्दस में तहरीर शुदा है ये खुदा के आसमान से चुना हुआ नाम हमें नजर आता है. You know, there's a name. Bible मुकद्दस में एक नाम है. And that name is Bartimaeus. और उसका नाम बर्तुमाई है. He's a blind man. Bible मुकद्दस में बयान करती है कि वह कंधा शख्स है. He's a beggar. और ये किरण वो भीख मांगने वाला शख्स है. So much so that his name is not only written in one book. इस शख्स का नाम सिर्फ एक ही ना किताब में नहीं लिखा गया. His name is written in two of the books. और बाइबल मुकद्दस की दो किताबों में उसका नाम कलम बंद किया गया है. Hallelujah. Hallelujah. He's a beggar. वो एक भीख मांगने वाला शख्स है. But God chose his name to be in the Bible. लेकिन खुदा ने उसका नाम चुना ताकि किताबे हयात में लिखा जाए. आपको कैसा लगेगा जब एक नया बाइबल हमको मिलेगा और उसमें आपका नाम है? आपको कैसा लगेगा अगर बाइबल मुकद्दस आपको मिले और आपका नाम भी उसमें लिखा हो? लेकिन तालियां बजा के बताएं. नया बाइबल अब नहीं आएगा. लेकिन बाइबल मुकद्दस आप दोबारा नहीं आएगा. You have to look for your name. ये किरण आपको अपने नाम को देखना है. In the book of life. ये किरण हमेशा की जिंदगी की उस किताब में जोरदार तालियां. And if you have Jesus in your heart, अगर यीशु मसीह आपके दिल में है, you have your name in the book of life. तो फिर आपका नाम किताबे हयात में लिखा है. Because the Bible has been opened. क्योंकि बाइबल मुकद्दस आपके लिए खुली किताब है. But the book of life is yet to be opened. लेकिन किताबे हयात का अभी भी खुलना बाकी है. And if you want to be sure that your name is in the book of life, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा जाए, make sure you have Jesus with you. तो उसके लिए यीशु मसीह का आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूर है. I want to tell you, my brothers and sisters. मैं आज शाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों आपको बताना चाहता हूँ. That this is. ये खुदावंत का जिंदगी बख्श कलाम. The word of God. जो कि खुदावंत का जिंदगी बख्श कलाम है. I live this book. I have this book. मेरे पास ये किताब है और मैं इस किताब के ही सबब से जीता हूँ. और खुदा का कलाम जो है वो मेरी जिंदगी में और मेरे बदन में रहता है. In John chapter 1 says, in the beginning was the word. और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना के अंजील में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था. And the word was with God. और कलाम खुदा के साथ था. And the word was God. और खुदा और कलाम ही खुदा था. It is that word. और ये वही खुदा का कलाम है. It is the living God. और जो के जिंदा जिंदगी बख्श कलाम है. It is the living word. और ये किरण ये जिंदगी बख्श कलाम है. That we have. जो आज शाम हमारे हाथों में है. In us. जो हमारे बदन के अंदर है. We have. ये किरण हमारे पास है. The Holy Spirit. जो के खुदा का रूह कुदस है. Who is God. जो के खुदा बसाते खुद है. Who is with us. जो हमारे साथ है. Who is in us. जो हमारे अंदर है. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदा के नाम को जलाल देंगे जोरदार तालियों के साथ. In the book of Luke.
अगर हम लुका की मार्फत लिखी गई अंजील का मुताला करें चैप्टर 18 उसके 18 बाब को अगर हम पढ़ें verse 35 this is what took place अगर उसकी 35 आयत में पढ़ें तो वहां पर बाइबल मुकद्दस एक बड़ी खूबसूरत बात हमारे लिए लिखती है more than 2000 years ago आज से 2000 वर्ष पहले in a place called Jericho और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एक जगह थी जिसका नाम यरु था Today we have a big crowd here. आज शाम हमारे पास एक बहुत बड़ा हजूम है. Similarly, in Jericho on that day there's a very very large crowd. और अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो वहाँ पर यरूशलम में, यरू में बहुत बड़ा हजूम था. There's a lot of noise. बहुत सारी आवाजें हमें नजर आती हैं वहाँ पर. People were running to the place. यकीनन बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं मसीह यीशु की जानिब. And this blind man, और ये एक अंधा शख्स जिसका जिक्र हम लूका के अंजील में देखते हैं, who was a beggar, ये किरण एक भीख मांगने वाला शख्स हमें नजर आता है. You know, when something unusual takes place in Johannesburg, और बाल तो फक कुछ ऐसी चीज जो अचानक से ही रूनमा हो जाए योहन्नाबाद में, people are always inquisitive, और ये किरण बहुत सारे लोग इस जिस्तजू में होते हैं कि हम जाने के आखिर क्या हो रहा है. What's happening? क्या हो रहा है? What's happening? क्या हो रहा है? Why is all this commotion? क्या ये इस तरह का हजूम क्यों इस जहानाबाद में शाम जमा हो गया? किस तरह की आवाजें आ रही हैं? What is happening? क्या हो रहा है? What is happening in जहानाबाद? जहानाबाद के अंदर क्या हो रहा है? I can tell you. लेकिन मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूँ. But this beggar. लेकिन इस भीख मांगने वाले शख्स ने. He asked. उसने चलाया. What is happening in उसने Jericho? उसने पूछा कि यरू में क्या हो रहा है? What is happening in Jericho? यरू में क्या हो रहा है? I am asking. जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ. What is happening in Johannesburg? क्या योहन्नाबाद में क्या हो रहा है? But when this beggar inquired. लेकिन जब ये मांगने वाला शख्स खामोश हो गया. He was told. He was told. He was वो खामोश हो गया. रुक गया. शोर मचाने लगा लोगों ने से खामोश रहने को कहा लेकिन वह चुप ना रहे बल्कि और आप जानते हैं क्या हुआ? This man, उस शख्स ने, this blind man, इस अंधे, this beggar, इस अंधे मांगने वाले फकीर ने, got the attention of Jesus. उसने यीशु मसीह की मतवाचो को देखा. If you want to get the attention of Jesus, और अगर आप भी चाहते हैं कि मसीह का ध्यान आप पर लग जाए, you have to be like this blind man. तो फिर आप इस शख्स की तरह मसीह के कदमों में चलाने की जरूरत है. ये किशादार लेकिन आपको मसीह के तख्त के सामने चलाने की जरूरत है. King of Kings आसमान के बादशाह के बादशाह के तख्त के सामने खुदावंदों के खुदा के तख्त के सामने Lord Almighty जो कि असीम खुदा है. Jesus the Christ यीशु मसीह जो कि खुदा का बेटा Savior of the world लेकिन वह दुनिया
نجات دیتا ہے الرجیمہ یہ کہ نجات دیتا ہے لہیلا جو کہ شفا دینے والا ہے دیلیبرا جو کہ رہائی دینے والا ہے جیسس دی کرائسٹ کیونکہ یسو مسیح ہی اپنے لوگوں کو رہائی بخشتا ہے جو گاڈ اور اس نے اسے حاصل کر لیا اینی گاٹ دی اٹینشن اف جیسس اور جب اس نے مسیح کی توجہ کو اپنی طرف دیکھا اسی Everybody makes things very complicated. बाद दफा लोग बहुत सारी चीजों को बहुत सारा पूछीता कर देते हैं. Jesus makes everything simple and easy. लेकिन बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह हर एक चीज को बड़े आसान तरीके से कर देता है. And Jesus said, "Bring that man to me." तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि इस शख्स को मेरे पास ले आओ. जोरदार ताली से अपने धोप. यीशु मसीह मेरे पे है. What do you want me to do for you? आप क्या चाहते हैं कि मैं तेरे लिए करूं? मैं पीना होना चाहता हूँ. मैं आंखें चाहता हूँ यीशु मसीह. मुझे आंखें चाहिए. मुझे रोशनी चाहिए यीशु मसीह. मुझे रोशनी चाहिए. मुझे रोशनी चाहिए. This is what Jesus wants you to do. अगर आप चाहते हैं कि मसीह यीशु आ सके. मुझे रोशनी चाहिए. It's a very simple thing. ये करण बहुत सी आसान एक बात है. जब अब यहाँ से लाहौर जाना चाहिए सिर्फ तो ये बतलाए कि मुझे लाहौर जाना, यहाँ से कराची नहीं जाना, फिर इस्लामाबाद नहीं जाना और मुल्तान नहीं जाना, खानेवाल नहीं जाना, सरगोधा नहीं जाना, सिर्फ यीशु के पास जाना. ये करें यीशु मसीह के पास जाना. अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में नूर हो जाए. Your faith has made you whole. जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया. जोरदार ताली. ये किरण आप देख सकते हैं. जोरदार तालियां हो जाएगी आप तक तो उठा के जरा. मैं देख सकता. भाई मुजीद के लिए जोरदार तालियां बजा दे. Like Jesus healed. You can Yesu Masih Shafi hai. This blind man Bartimaeus. और इस अंधे बर्तमाई को जिस तरह उसने शिफा दी. Today he wants to heal you. तो यकीनन आज शाम भी वही खुदा है जो आपको शिफा देना चाहता है. There are many people with eyes here. यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो आंखें रखते हैं. There are many people with eyes in Yohannabad. और बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें हैं और वो यूहन्नाबाद को देखते भी हैं और रहते भी हैं. There are many people with eyes in Pakistan. और यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो आंखें रखते हैं और मुल्क पाकिस्तान में जिंदगी जीते हैं. But the many people cannot see. लेकिन बहुत सारे लोग देख नहीं भी सकते. Even with eyes open. ये करण खुली आंखों के होने के बावजूद भी नहीं लोग देख सकते. Today God wants to open your spiritual eyes. आज शाम खुदा आपके पातन की आंखों को खोलना चाहता है. Today God wants to open the eyes of your heart. ये करण खुदा आज शाम आपके दिल की आंखों को खोलना चाहता है. Today God wants to meet your need. क्योंकि खुदा आज शाम आपकी जरूरत को पूरा करना चाहता है. It is very simple. ये करना बहुत आसान है ये. Don't give him a shopping list. उसे एक बहुत बड़ी शॉपिंग की लिस्ट मत दे दे. आपको आलू चाहिए सिर्फ आलू बोलिए. अगर आपको आलू चाहिए तो आलू कहें. प्याज लहसुन को बाद में. प्याज लहसुन को छोड़ दे, सिर्फ आलू की जो आपको सख्त जरूरत है उसको आप मांगिए खुदा से. जिक्र जो आपकी जरूरत है वो खुदा से मांगे. ठीक है ना. तो कौन कौन आलू मांगता है? हाँ जरा उठा कर बताए किसको आलू चाहिए. पास्टर आप लाए कुछ आलू. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
देखो यीशु आपसे प्यार करता है, ठीक है? कौन जानता है कि यीशु आपसे प्यार करता है? हाथ उठाकर बताएं। सब हाथ उठे रहे अब, ठीक। उस कोने पर, इन दैट कोना, उस कॉर्नर पर देयर इज अ वुमन हु हैज गॉट अ टर्मिनल सिकनेस, और एक वहां पर औरत है जिसके बदन में बदरी बीमारी है। Just make your way, somebody help her to come here. अगर वो अगर कोई उसकी मदद करे तो उससे सामने लेकर आया जाए। The anointing and the presence of God is very strong here tonight. ये किरण आज शाम खुदा की हजूरी यहाँ पर बड़े गहरे तौर पर फैली हुई है। मेरा नाम यूसुफ सना है। मेरे पास बेबी नहीं था तो पास्टर साहब जो आए थे तो उन्होंने दुआ की थी। मेरे लिए मियाँ बीबी ने डबल बरकत पानी और खुदा उन्होंने दो बेटियाँ दी। She said, I have no baby blessing in the past, but when you pray, God has blessed me with a baby blessing. Praise the Lord. खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।